हाय गाइस, आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप जियो कस्टमर है और आपके पास माई जियो एप्लीकेशन में वो 8 इंस्टॉलमेंट पड़ा है कि 50 रुपये कैशबैक मिलने वाला है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जो माई कूपन्स में रहता है कि अगर आप 399 रुपीज़ का रिचार्ज करते हो तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है, तो वो किस तरह से आप रिचार्ज करके उसको विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक भी इंस्टॉलमेंट रिडीम नहीं किया हूँ मैं, 8 का 8 ही रह गया है, ठीक है। हर एक बार रिडीम करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ यहाँ से माइनस हो जाएगा वाउचर, और ये सुविधा आप 8 बार ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए 7 टाइम्स लिखा है, क्वांटिटी 7 टाइम्स, ठीक है। तो अगर माई भाउचर में अब अगर आपको इस तरह सा दिखाता है तो अगर आप चाहे तो इसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। रिचार्ज करके आपको 50 रुपीज़ का छूट मिल जाएंगे। वो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक पैक लीजिए जो कि 398 रुपीज़ से ज़्यादा हो, ठीक है। मेरे हिसाब से 399 रिचार्ज ही सबसे बेहतर है, तो वहीं मैं रिचार्ज करने वाला हूँ। 1.5 GB, 1.5 GB पर डे मेरे को डेली मिलेंगे, ठीक है। और इस केसेस में मैं यूज़ कर रहा हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। फ़िलहाल मेरे नेटवर्क नहीं है एयरसेल मोबाइल पर, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक या फिर एयरटेल अकाउंट। ओके, देखिए 400 रुपीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो इस केसेस में मैं 399 रुपीज़ का रिचार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑटो रिचार्ज पर टिक हटा देता हूँ। इस पैक में मेरे को मिलने वाला है 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे। तो बाय पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 399 रुपीज़ है, लेकिन वहाँ पर 7 वाउचर था, वो कट होके 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 रुपीज़ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल कितना पे करना है ये बोल देगा। देखिए 6 वाउचर रिमेनिंग, एंड मेरे पास अभी 6 वाउचर है और 50 रुपीज़ अप्लाई, माने कि 50 रुपीज़ जो कि 1 वाउचर का कीमत है वो मैं पे कर रहा हूँ, और मेरे को पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट 349 रुपीज़, जो कि मेरा कुल बैलेंस है, टोटल बैलेंस जो कि पावर बैलेंस है 399 रुपीज़। ओके गाइस, तो चलिए पे बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप दुकान में जाकर करते हो तो आपको 399 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, लेकिन आप अगर माई जियो एप्लीकेशन या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर UPI का यूज़ करते हो तो आपको मिल जाते हैं 50 रुपीज़ का बचत, ठीक है। तो मैंने अपना UPI डाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं कि आप अपना UPI की रिक्वेस्ट बटन पर देखो, वो अपना रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो चलिए मैं खोल देता हूँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उसके बाद चले जाते हैं। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, तो इसी तरह आप भीम UPI पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन डालना होगा। यहाँ पर मैं पिन एंटर कर लेता हूँ भाई। सो गाइस, मैंने पिन एंटर कर दिया है। पिन एंटर करते वक्त थोड़ा लोडिंग लेगा, और नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर बोलेगा 349 रुपीज़ पे कीजिए। जैसे ही आप पे करेंगे तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये पेमेंट गेटवे है। ये देखिए 349, मैंने पहली बार रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त मैंने सोचा, रिचार्ज करते वक्त मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ, इसलिए पहली बार रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए पेंडिंग पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब ये जो ICICI बैंक से कटेगा इस पर आप पेमेंट करेंगे 349, तो आपका जियो रिचार्ज हो जाएगा, ठीक
ठीक है ना। तो पे नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोबारा पिन कोड डाल देते हैं। तो गाइस जैसे ही पिन कोड मैंने एंटर किया अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स डन हो चुका है। ठीक है गाइस, तो जैसे ही गाइस ये सक्सेसफुल हो गया, अब चलते हैं माई जियो की एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखिए 349 रुपीज़ डन हो चुका है, एंड मेरे जियो नंबर से SMS आ चुका है कि आपका भाई रिचार्ज हो चुका है। तो हुआ ना ये कमाल का चीज़। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिचार्ज मैंने 50 रुपीज़ बचत कर लिया है, एंड देखिए ये मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। एंड कुछ ही देर के बाद ये चालू होना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो अगर मैं माई जियो एप्लीकेशन को क्लोज करके, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव रिसीव्ड 8 माई जियो वाउचर वर्थ 50 रुपीज़ एच, यू कैन यूज़ पेमेंट। ओके, मतलब और भी कुछ वाउचर है जो कि मैं बाद में रिचार्ज करूँगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा, तब मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। तो गाइज चलिए मैं एक बार माई जियो एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद अभी प्लान एक्टिवेट भी हो जाएगा शायद, नहीं तो थोड़ा 10 मिनट टाइम लेगा ये। ओके, देखिए रेड कलर में बोल रहा है रिचार्ज ना, यानी कि प्लान थोड़ा एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसको मैं थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए देखिए हो गया है शायद। चलिए माई वाउचर पर सबसे पहले क्लिक कर देते हैं, जहाँ पर क्वांटिटी था 7, वहाँ पर क्या दिखाता है। और माई जियो एप्लीकेशन चलाते वक्त आप वाईफाई से यूज़ मत कीजिए, अगर कुछ नेट बैलेंस हो तो उससे कीजिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग वाईफाई से कर लेते हैं लेकिन बोलते हैं रिचार्ज नहीं होता है। तो भाई आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए एक क्वांटिटी तो मेरे से मिल गया है, और भी 7 क्वांटिटी मेरे को दे दिया है, 8 क्वांटिटी, ठीक है, मतलब, और 5 GB मेरे को मिला है एड ऑन बैलेंस, ठीक है, अभी तो रिडीम नहीं करूँगा क्योंकि एड ऑन बैलेंस अभी मेरे पास है। और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी 6-7 था, ठीक है, 8 वाउचर और भी मिल गया है, यानी कि मैं और 14 बार 50 रुपीस बचत के साथ रिचार्ज कर सकता हूँ माई जियो एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया माई जियो एप्लीकेशन का फीचर्स। अगर आपने रिचार्ज किया हो 3 महीने या फिर 4 महीने पहले, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। माई प्लान्स पर क्लिक कर देते हैं एंड देखते हैं वो रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है सक्सेसफुल। ये अभी स्टिल लोडिंग ले रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। 399 रुपीज़ का रिचार्ज हो चुका है 17 मार्च 2018 पर 12:40 AM यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अभी रिचार्ज हो चुका है मेरा, ठीक है। और एड ऑन बैलेंस जो कि कैसे लेना है, अगर आप जानना चाहते हो फ्री में एड ऑन बैलेंस कैसे आप 10 GB या फिर 5 GB ले सकते हो, तो इसी रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिलो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए कि माई जियो एप्लीकेशन में एड ऑन बैलेंस कैसे ले सकते हैं 10 GB 20 दिन 25 दिन के लिए, वो भी मैं आप सभी को सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए 1.5 GB मेरे को मिल गया है। एंड थैंक यू गाइस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, एंड अपनी सभी फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज।